दैट इज आखिरी दिन क्या करके गए? ड्यूअल डेकर सीपीयू. आपने लाइफ 4G हैंडसेट में भी काम किया है? जी सर. मेरे साथ एक स्टूडेंट है, इनका नाम दानिश. दानिश किधर से? आप यूपी. तो दानिश यूपी से इसे टेलीकॉम क्यों, बताओ सर? अगर एंडलेस बनना है तो एंडलेस बनना है. दानिश एंडलेस. दानिश आपकी उम्र कितनी है? 23. इतनी कम उम्र में दानिश. अभी मैं आपको सच बताऊं कि लोग 25-26 साल में तो पढ़ाई करते रहते हैं, 30-40 साल तक तो पढ़ते रहते हैं, धंधा पानी तो सोचते नहीं है. तो आपने क्यों ऐसा लगा कि मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आए? सर मतलब मेरा मन था काम करने का मोबाइल. मतलब कब से कुछ कर रहे थे इससे पहले आप? नहीं सर, 1 साल से अभी आया हूँ. 1 साल में ही आया? 1 साल. और उसमें भी मतलब खाली चार्जिंग पिन चेंज तो किसी के यहाँ बैठते थे या आपकी खुद की शॉप है? क्या है आपकी? अपनी खुद. आपकी खुद की शॉप है तो मतलब काम करने में मज़ा नहीं आता होगा, है ना? जी सर, लेकिन अब आएगा. अब आएगा ना. तो अब आपने प्रॉपर तरीके से सीखा. तो आपने क्यों सोचा दानिश, आपको क्यों ऐसा नहीं लगा कि मैं YouTube से ही सीख लूं? YouTube में तो इतने सारे वीडियो दिए हैं, सारी टेक्निक बता रहे हैं, तो मैं YouTube से ही सीख लेता हूं. जो लाइव है वो अलग बात है जी. और जब अच्छा आपने ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा? कोरोना COVID-19 भी चल रहा है, आपने क्यों सोचा कि मैं इतनी दूर रहा हूं, चलो मैं घर बैठ के ही ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेता हूं? सर मेरे पास दिल्ली है. दिल्ली पास में आपके? हाँ. लेकिन फिर मुझे जाना तो ऐसे टेलीकॉम. ऐसे टेलीकॉम अगर सीखना है बिल्कुल. तो दानिश का पहले से ही सोच कर आए थे कि मैं ऐसे टेलीकॉम से ही सीखूंगा. दानिश पहले दिन और अब के दानिश में कितना फ़र्क है? सर जमीन आसमान. जमीन आसमान का फर्क. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इमेंसी तीनों अटेंड किया आपने. यहाँ के पढ़ाने का तरीका, डिसिप्लिन, टाइमिंग, सारी चीज़ें, मैनेजमेंट, बताइए कैसा लगा? सर टीचरों का मतलब मैनेजमेंट जी, और पढ़ाने का मतलब तरीका सबसे अलग है. सबसे अलग है. बेसिक बच्चा है वो बच्चे वाली बिल्कुल. यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आता है, भले वो 10 साल का हो या दानिश 1 साल या बिल्कुल फ्रेशर या फील्ड चेंज करके फ्रेशर ही है यहाँ पर. तो आपको क्या लगता है कि जो 10 साल कहकर आते हैं उनको कितना नॉलेज होता है, सच बताइए? सर जब पहले दिन क्लास करते हैं तो बोलते हैं मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं. कुछ नॉलेज ही नहीं है. दानिश जब आपने पहले दिन हमारी क्लास अटेंड की थी 27 तारीख की काउंसलिंग की क्लास, इस बार मैं वीडियो में जरूर बोलूंगा, जब हमने आपसे पैसे नहीं लिए थे, है ना, काउंसलिंग 27 तारीख में, तो हमने आपको एक डेमो जैसे क्लास दी थी. तो आपको डेमो क्लास में ऐसा क्यों लगा कि नहीं मुझे यहीं पे फीस देनी है, बताइए? सर जो पहले दिन की नॉलेज थी मतलब वो अलग, उसमें पता ही नहीं था कि हमने पता ही नहीं था कि मतलब क्या है. लेकिन जब पता पड़ेगी. और फिर आपने जब टेबल समझा, हमारा कंसेप्ट समझा, तो आपको लगा ये पढ़ा देंगे हमें, है ना? चलिए ठीक है. दानिश यहाँ से जाने के बाद में प्रैक्टिस करने वाले हैं. और दानिश आखिरी दिन क्या करके गए? डुएल डेकर सीपीयू. आपने लाइव 4G हैंडसेट में भी काम किया है? जी सर अपना फोन. ठीक है. और आपने अपने फ़ोन पे काम किया है? ठीक है. दानिश ने अपने फ़ोन पे काम करके गए हैं. इससे टेलीकॉम की टीम ऑलवेज दानिश के साथ सपोर्ट में रहेगी और दानिश बहुत अच्छा काम करे, यही हम दुआ करते हैं. थैंक यू वेरी मच. देखिए 4G CPU से लेकर आपने लास्ट डे क्या करके गए, बताइए? डबल डेकर किया आपने. तो बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है. लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा. लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल डेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर. CPU भी किया. लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है. डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल डेकर किया लास्ट में. डुअल डेकर किया ना. आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए. जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू. और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?